वेरी गुड। आज के दिन क्या हुआ था? नहीं, भारत देश में संविधान लागू हुआ था, जिसके जो संविधान इस देश में चलता है, जिस संविधान की वजह से पूरा देश संचालित किया जाता है। समझ में आया? 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था? क्या हुआ था? संविधान, भारत देश का संविधान, ठीक है। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, याद हुआ? इस दिन को क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस। याद रहेगा? वेरी गुड, बहुत प्यारे बच्चे हो आप, अपने लिए तालियां बजाइए। जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ था, इसी अवसर पर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। तो आज इस स्काई वर्ल्ड कॉन्वेंट स्कूल के कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ के संचालक माननीय ममता कराड़े मैडम, अध्यक्ष महोदय और अतिथिगण सहभागी और सभी अध्यक्ष महोदय, और यहाँ की जो प्रिंसिपल है वाघमारे मैडम, लाइडे मैडम, और आप सभी पेरेंट्स जो बच्चे के बहुत प्यारे पेरेंट्स हैं, आप सभी उपस्थित, और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज का दिन इसलिए मनाया जाता है कि अगर कोई देश को संचालित यानी चलाने के लिए एक कानून की जरूरत होती है, और कानून मतलब एक संविधान होता है, और वो संविधान ये है, ठीक है। वो संविधान कौन सा है? ये वाला संविधान है। और इस संविधान को लिखने वाले कौन है, सबको पता है? वेरी गुड, जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। तो बाबा साहब अंबेडकर ने ये संविधान लिखा था, और ये संविधान 26 जनवरी 1950 को भारत देश में लागू हुआ था। उसी के वजह से आज हमको इस देश में सारे अधिकार मिले हैं। क्या मिले हैं? अधिकार मिले हैं। वेरी गुड, बहुत प्यारे बच्चे हो, और इसलिए देश का 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मैं प्यारे बच्चों आपको ये कहना चाहूँगा कि इस देश में शिक्षा का अधिकार किसने दिया था? बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान में दिया था मौलिक अधिकार के तहत। लेकिन सबसे पहले हमको शिक्षा का अधिकार किसने दिया था? सावित्रीबाई फुले। अंबेडकर के पहले सावित्रीबाई फुले। क्या बात है, बहुत प्यारे बच्चे हैं, सब कुछ जानते हो। जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे कौन से क्लास के बच्चे? केजी से फोर तक के सारे बच्चे हैं, और सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बहुत अच्छा आप लोगों के अंदर टैलेंट है। लेकिन आप कभी, कितने बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स से शिकायत करते हैं, मम्मी पापा से? कितने लोग हैं? नहीं, ऐसा ऐसा हैंड कंप्लेंट कौन करता है, शिकायत कौन करता है? आप करते हो? किसकी शिकायत करते हो? अच्छा, ऐसे कितने बच्चे हैं जो अपने टीचर की शिकायत करते हैं? कल मार खा नहीं क्यों? अच्छा, कोई बात। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको अपनी मम्मी से शिकायत है? मम्मी से नहीं है, क्या हो गया? मम्मी से शिकायत है आपको? अच्छा, कोई बात नहीं। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको अपने पापा से शिकायत है? क्या हो गया, पापा पे आपको डांटते हैं? नहीं। वेरी गुड बच्चों, प्यारे बच्चों, आप जैसे भी हो बहुत अच्छे हो, बहुत सच्चे हो, कभी जिंदगी में किसी से शिकायत जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो कामयाब लोग होते हैं, जिनको जिंदगी में आगे बढ़ना होता है, वो कभी किसी से शिकायत, क्योंकि शिकायत करने वाले कभी आगे नहीं, इसलिए कभी जिंदगी में किसी से शिकायत नहीं, बोलो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मम्मी से, मैं बोलूंगा मम्मी से तो शिकायत नहीं करेंगे, ऐसा बोलना, ठीक है? मम्मी से,
पापा से, टीचर से, उसको बोलते हैं इंग्लिश में कंप्लेंट। हम कभी कंप्लेंट नहीं करेंगे। वेरी गुड, क्योंकि जो कंप्लेनर होता है वो कभी क्रिएटर नहीं होता। वेरी गुड, और जो क्रिएटर होता है वो कभी कंप्लेंट नहीं होता। इसलिए जिंदगी में कभी कंप्लेंट नहीं करना, कपड़ों को लेके, खाने को लेके, पैसों को लेके, सोने को लेके, खेलने को लेके, टीवी देखने को लेके, मोबाइल को लेके कभी कंप्लेन नहीं करना। मम्मी पापा की बात मानोगे? यस। टीचर की बात मानोगे? यस। और अगर आप ये सब बातें मानोगे तो आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे, राइट? यस। अच्छा, सपने कितने लोग देखते हैं? सपने सभी लोग। वेरी गुड, जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। अच्छा, सपने में आप लोग क्या देखते हो? ऐसे सपने नहीं देखना। सपने कैसे देखना? जैसे बाबा साहब अंबेडकर थे, उन्होंने इस देश का संविधान लिखा, दुनिया के विद्वान थे, इनके जैसे बनने की कोशिश करना, ऐसे सपने देखना, ठीक है? अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, ऐसे सपने देखना। कोई आईएएस ऑफिसर कलेक्टर को पहचानते हैं? कलेक्टर कौन होता है? कलेक्टर बनने के, आईपीएस बनने के, आईएएस बनने के, और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने के, या कोई सीएम या पीएम बनने के सपने देखना, राइट? ऐसे उल्टे सीधे सपने नहीं देखना। तो जिंदगी में आगे बढ़ने के सपने देखना, और सपने आपके सबसे बड़े होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, और बाबा साहब अंबेडकर जैसा नॉलेज हो, ज्ञान हो, ऐसे सपने देखना, राइट? ऐसे सपने देखोगे? वेरी गुड, जोरदार तालियां आप प्यारे बच्चों के लिए। और मैं इसी अवसर पर आप लोगों को बधाई देता हूँ कि आपके अंदर बहुत टैलेंट है। जिंदगी में हार नहीं मानना, बहुत आगे बढ़ना, बहुत आगे बढ़ना, लेकिन आगे तभी बढ़ सकते हो जब आप बहुत ज्यादा पढ़ाई करोगे, ठीक है? वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी प्यारे बच्चों के लिए। आपका डांस देखा, आपका टैलेंट देखा, तो आपने बहुत अच्छा किया है, और आप बहुत जिंदगी में आगे बढ़ोगे, ऐसी मैं आप सब लोगों से शुभकामनाएं देता हूँ इसी 26 जनवरी के अवसर पर। और जोरदार तालियां अपने मम्मी पापा के लिए बजाओ। अच्छा, मम्मी के लिए सबसे ज्यादा तालियां बजाओ। क्लास के बच्चों के लिए जो फ्रेंड है, अपने टीचर्स के लिए, और सभी महापुरुषों के लिए जिन्होंने देश को आजाद किया और जिन्होंने ये संविधान लागू किया बाबा साहब अंबेडकर के लिए, थैंक यू। और सबसे ज्यादा तालियां बजाइए ममता कराड़े मैडम, जिन्होंने ये स्कूल दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और लास्ट में ये बात कहना चाहूँगा, जो महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने कहा था और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही गुर्राएगा, मतलब आगे बढ़ेगा, ठीक है? शिक्षा क्या है? शेरनी का दूध है। बोलो सभी लोग, शिक्षा क्या है? और जो पिएगा ऐसा बोलना, जो पिएगा वही गुर्राएगा, ऐसा बोलना, ठीक है? शिक्षा क्या है? शेरनी का दूध है। शिक्षा क्या है? शेरनी का दूध है। और जो पिएगा, जोर से बोलना, जो पिएगा, वेरी गुड।